छोड़ दो मैं नहीं रखता। नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को, स्वागत है आप सभी का वेस्ट जोन यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप जो कि हो रही है नर्मदा टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल में। ये आज सुबह के सेशन का दूसरा मैच है जिसमें आप जो देख पा रहे हैं में वो थी संत गार्ड के बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी। दूसरी टीम जो कि गुलाब खेली गई इस मैच में वो है ब्लू जर्सी के अंदर हेमचंद आचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी। दोनों ही टीमें मैदान में आ चुकी है, कुछ ही क्षणों में आप इस मैच को लाइव देख पाएंगे एफजीएसएन के साथ। इसी के साथ ये मैच चालू होता हुआ है। इससे पहले जो मैच खेला गया था वो था यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा एफजीएसएन बीकानेर के बीच, जिसमें कोटा की टीम ने काफी अच्छी बढ़त से 6-1 की बढ़त से इस मैच को जीता था। ये रेंजर स्पेस में यहाँ पे कैप्टन की विसिल बॉल जाएगी अमरावती की पोजीशन में। नीली जर्सी में टीम खेल रही है हेमचंद आचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी की टीम, ग्रीन जर्सी में जो टीम है वो है संत गार्ड के बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी की टीम। बॉल पोजीशन अभी चंद्रयू के पास,
काफी अच्छा डिफेंस यहाँ पे, लेकिन बॉल वापस से एच एन जी टीम के पास आ चुकी है और वो लेके आगे बढ़ती हुई खिलाड़ी, अच्छा डिफेंस यहाँ पे, बॉल वापस से एच एन जी के पास। बॉल को लेके आगे बढ़ती हुई जर्सी नंबर 7 का खिलाड़ी, काफी अच्छे से बॉल को लेके यहाँ पे आई है अमरावती की टीम। एक अच्छा मौका बनता हुआ अमरावती की टीम के लिए, बॉल डी के अंदर है लेकिन शॉट को मिस किया, रेफरी का विसिल, बॉल वापस हो जाइए चेंजिंग के पास, चेंजेस में दिखाई है इसकी वजह से बॉल का पोजीशन वापस चेंजिंग के पास। पूरा प्रयास करते हुए अमरावती की टीम के पास यहाँ दूसरा मौका बनता हुआ, एक अच्छा पास निकाला था लेकिन काफी अच्छे से उसको इंटरसेप्ट किया, लेकिन बॉल वापस है एच एन जी यू के पास, काफी जो है शॉट लिया था जो कि ऑफ टारगेट था। बॉल यहाँ पे एच एन जी यू के पास, साथ में अच्छा जी भी खेल रहे हैं जय बारिया, खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए काफी अच्छी पासिंग यहाँ पे, जो आज के मैचेस आपको देखने को मिल रहे हैं ये नॉकआउट राउंड्स के चौथे राउंड के मैचेस हैं। ये बेस्ट जोन इंटरनेशनल चैंपियनशिप आपको देखने को मिल रही है एफजीएसएन के माध्यम से, लाइव एक्शन देखने के लिए आपको बने रहना है एफजीएसएन के साथ। रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल में ये आयोजित की हुई है, एच एन जी की टीम बॉल को लेकर आगे बढ़ती हुई, यहाँ पे कैफी की विसिल, एक और विसिल, बॉल वापस से प्रदर्शन के लिए जाएगी अमरावती की टीम के पास। Thank you.
बॉल अच्छा स्कूप पास यहाँ पे की विसिल बॉल वापस अमरावती की टीम के पास काफी अच्छा स्कूप पास यहाँ पे खिलाड़ी के पास काफी अच्छा डिफेंस यहाँ पे गोलकीपर की तरफ से बॉल वापस से एचएनजीयू के पोजीशन में इस मैच में काफी जल्दी एक बढ़त बना लिया यहां पे एसजीबीएयू अमरावती की टीम ने पोजीशन अभी भी अमरावती के खिलाड़ियों के पास अमरावती की टीम यहां पे बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए एक अच्छा इंटरसेप्शन लेकिन गुजरात की टीम की तरफ से यहां पे एक और विसिल रेफरी की पोजीशन वापस से अमरावती की टीम को मिलेगा पोजीशन है भी एसजीबीएयू के पास एक अच्छा स्कूप पास यहां पे लेकिन उसको अब रिसीव कर लिया है उनके टीममेट ने एक अच्छा मौका बन रहा है यहां पे अमरावती की टीम के लिए एक अच्छा मौका है अभी भी लेकिन काफी अच्छा डिफेंस यहां पे एचएनजीयू की तरफ से एक अच्छे डिफेंस के द्वारा इस गोल को होने से रोका एचएनजीयू की टीम ने बॉल मैदान से बाहर गई थी पोजीशन वापस से एचएनजीयू की टीम को मिला है काफी अच्छा डिफेंस अमरावती की तरफ से बॉल को वो शूटिंग सर्किल में ले जा चुके हैं एक अच्छा शॉट लेकिन ऑफ टारगेट बॉल बाहर जाती हुई मैदान से वापस से पोजीशन यहां पे एचएनजीयू को मिलेगा जी माफ कीजिएगा एक लॉन्ग कॉर्नर मिलेगा यहां पे अमरावती की टीम को बॉल एचएनजीयू से डिफ्लेक्ट होके बाहर गई थी इसलिए लॉन्ग कॉर्नर मिला ये एक रेफरी की विसिल पोजीशन एचएनजीयू के पास एक अच्छा स्कूप पास दिया यहां पे लेकिन उसको रिसीव नहीं कर पाए हैं काफी अच्छा प्रयास करते हुए दोनों ही टीम के खिलाड़ी अमरावती के पास बॉल
अच्छा अटैक सेट कर रहे हो अपनी टीम के लिए, एक अच्छा पास यहाँ पे, मौका अच्छा बन सकता है, काफी अच्छी गोलकीपिंग, काफी अच्छा डिफेंस यहाँ पे एचएनजीयू के खिलाड़ी की तरफ से। बॉल को क्लियर करने का प्रयास रहेगा यहाँ पे एचएनजीयू की टीम का, काफी अच्छा फुटवर्क यहाँ पे, एक अच्छा मौका बनता हुआ एचएनजीयू की टीम के लिए। हाथ से हॉकी छूटी डिफेंसिव प्लेयर के, बॉल लेकिन गोल पोस्ट के ऊपर से मैदान से बाहर गई है। एक अच्छा मौका था यहाँ पे गुजरात की टीम के पास, लेकिन उन्होंने चूक की और इस मौके को गवाया। वापस से अटैक पर यहाँ पे अमरावती के खिलाड़ी, काफी अच्छा पास लेकिन उसको रिसीव नहीं कर पाए, उसको डिफ्लेक्ट करने में असफल रहे, बॉल ग्राउंड से बाहर जाती हुई। अब तक अमरावती टीम काफी अच्छा खेल रही है इस मैच में। जर्सी नंबर 12 अदनान ने पास दिया, एक अच्छा पास दोबारा से, लेकिन बॉल मैदान से बाहर जाती हुई। यहां पे एक लॉन्ग कॉर्नर मिला है एसजीपीएयू की टीम को, अच्छा प्रयास लेकिन बॉल दोबारा से मैदान से बाहर गई है। दोबारा से एक लॉन्ग कॉर्नर मिलेगा यहां पे अमरावती के खिलाड़ियों को, उनका पूरा प्रयास रहेगा कि इस मौके पे वो गोल स्कोर कर पाए अपनी टीम के लिए। अच्छा फुटवर्क, काफी एक अच्छा मौका बनता हुआ यहाँ पे, मगर काफी अच्छा डिफेंस यहाँ पे एचएनजीयू के खिलाड़ियों की तरफ से, काफी जल्दी बॉल को आगे बढ़ाया उन्होंने। जर्सी नंबर 2 में धनुष अपनी टीम के लिए बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, लेकिन उससे बेहतर डिफेंस, बॉल वापस से पोजेशन में है अमरावती की टीम के। इस समय पर इस मैच का स्कोर चल रहा है एसजीपीयू 1 गोल और एचएनजीयू 0। और इसी के साथ पहला क्वार्टर समाप्त होता हुआ, पहले क्वार्टर के बाद एसजीपीयू एक अच्छी लीड पर है इस मैच में। अभी भी 3 क्वार्टर बचे हुए हैं, देखना होगा क्या एचएनजीयू इस मैच में अपनी वापसी कर पाएगी या फिर एक आसान जीत रहेगी एसजीपीयू की टीम के लिए। बने रहिए एफजीएसएन के साथ। दोनों ही टीमें मैदान में वापस आ चुकी हैं, दूसरे क्वार्टर का प्ले स्टार्ट होने को है। रेफरी की विसल के साथ मैच स्टार्ट होता है दोबारा से। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जो ब्लू जर्सी में टीम खेल रही है वो है एचएनजीयू की टीम और ग्रीन जर्सी में एसजीपीयू की टीम। एसजीपीयू बढ़त पे चल रही है इस मैच में। एक अच्छा स्कूप पास यहाँ पे, काफी अच्छा रिसेप्शन लेकिन बेहतर डिफेंस यहाँ पे रेफरी की विसिल, बॉल वापस से एचएनजीयू की टीम के पास। काफी अच्छा ग्राउंडेड पास था यहाँ पे,
लेकिन रेफरी की विसिल, बॉल वापस से जाएगी एचएनयू की टीम के पास। अजय के पास बॉल, एक अच्छा ग्राउंडेड पास था यहां पे। काफी अच्छा डिफेंस, बॉल अब अमरावती की टीम के पास, बॉल को आगे लेके बढ़ते हुए अमरावती के खिलाड़ी। अच्छी पासिंग देखने को मिल रही है हमें, बॉल शूटिंग सर्कल के अंदर आ चुकी है लेकिन मैदान से बाहर गई है बॉल। रेफरी के जजमेंट का इंतजार रहेगा हमें। एक लॉन्ग कॉर्नर दिया है यहाँ पे एसजीपीयू की टीम को। क्या इस मौके को भुना पाएगी अमरावती की टीम? एक अच्छा ग्राउंडेड किक यहाँ पे डिफ्लेक्ट किया है लेकिन उससे पहले रेफरी की विसिल थी, बॉल थोड़ा लिफ्ट हुई थी इसलिए डेंजरस प्ले का इशारा रेफरी का और ये गोल नहीं माना जाएगा। यहाँ पे एक फ्री हिट है एचएनजीयू की टीम के पास। अब तक हमें काफी अच्छा गेम देखने को मिला है दोनों ही टीमों की तरफ से। एक विसिल, ऑब्स्ट्रक्शन का फाउल यहां पे। एसजीपीयू की टीम बॉल को लेकर आगे बढ़ती हुई, एक ग्राउंडेड किक यहां पे, माफ कीजिए ग्राउंडेड शॉट यहां पे, जिसको अच्छे से डिफेंड किया यहां पे एचएनजीयू के खिलाड़ी ने। बॉल वापस से अमरावती के टीम के पास। जर्सी नंबर 18 छह ने पास दिया अपने टीममेट को, बॉल को लेके दोबारा से आगे बढ़ती हुई यहाँ पे एसजीपीयू की टीम। काफी अच्छी पासिंग, बॉल शूटिंग सर्कल के अंदर है उनके पास, एक अच्छा मौका बन सकता था यहाँ। काफी शानदार डिफेंस यहाँ पे एचएनजीयू के खिलाड़ी की तरफ से। यहाँ पे कोई विसिल नहीं आई है, बॉल अभी भी प्ले में है लेकिन बॉल मैदान से बाहर जाती हुई। वापस से पोजीशन यहाँ पे मिलेगा संत घाट के बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी टीम को। जी माफ कीजिएगा, पोजीशन है एचएनजीयू के पास। अजय के पास बॉल, अच्छा पास निकाला उन्होंने, अच्छा मौका बनता हुआ यहाँ पे एचएनजीयू की टीम के लिए लेकिन काफी अच्छा डिफेंस, बॉल को क्लियर किया है। अमरावती एक खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, काफी अच्छा फुटवर्क, काफी अच्छा कंट्रोल, एक अच्छा पास निकालने का प्रयास था लेकिन बहुत अच्छा इंटरसेप्शन आया यहाँ पे। अजय के पास बॉल, अच्छी पासिंग लेकिन उससे बेहतर डिफेंस यहाँ पे। क्या ये मौका बन सकता है यहाँ पे अमरावती के खिलाड़ियों के लिए? काफी अच्छे से बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे रेफरी की विसिल, एक फ्री हिट होगी यहाँ पे। एक अच्छा ग्राउंडेड शॉट था लेकिन बॉल वापस से जाएगी यहाँ पे एचएनजीयू के पास, क्योंकि जो ऑफेंसिव टीम थी उसके खिलाड़ी के पैर पर बॉल लगी, इसलिए पोजीशन वापस से हेमचंद्र आचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी के पास। काफी अच्छी पासिंग, दोबारा से अजय बारिया बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए अपनी टीम के लिए, अच्छा प्रयास था यहाँ पे लेकिन उस पास को इंटरसेप्ट किया। एक अच्छा मौका बन सकता है यहाँ पे एचएनजीयू के पास, काफी अच्छी पासिंग लेकिन उससे बेहतर डिफेंस हमें देखने को मिला यहाँ पे अमरावती के खिलाड़ियों की तरफ से। काफी अच्छे से बॉल को डिफेंड करके आगे
बॉल को 25 यार्ड लाइन के अंदर ले जा चुके हैं, अच्छी पासिंग, काफी अच्छा फुटवर्क, लेकिन बॉल ग्राउंड से बाहर जाती हुई, पोजेशन वापस जाएगा गुजरात की टीम के पास। इस समय पर संत गार्ड के बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी की टीम ने 1-0 से इस मैच में बढ़त बनाई हुई है। ये इस मैच का दूसरा क्वार्टर चलता हुआ, ये जो आप मैच देख रहे हैं ये नॉकआउट स्टेजेस का चौथा राउंड है वो चल रहा है आपके सामने, जिसको आप लाइव देख पा रहे हैं FGSN के साथ। HNGU के पास बॉल, काफी अच्छा इंटरसेप्शन, यहाँ पे रेफरी ने प्ले ऑन रहने का इशारा किया है। एक अच्छी किक थी लेकिन रेफरी की विसिल, बॉल वापस से HNGU के पास, एक डेंजरस प्ले था ये बॉल क्योंकि ग्राउंड से ज्यादा लिफ्ट ऑफ हुई थी। एक और विसिल रेफरी की, पोजीशन वापस जाएगा अमरावती की टीम के पास। एक अच्छा पास निकाला था यहाँ पे, रेफरी ने विसिल के द्वारा इंडिकेट किया है कि पोजीशन चेंज होगा और HNGU के पास जाएगा। अजय बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए अपनी टीम के लिए, लेकिन बहुत ही शानदार डिफेंस यहाँ पे, लेकिन इस बॉल को कलेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं था अमरावती की टीम की तरफ से, बॉल मैदान से बाहर जाती हुई। बॉल दोबारा से मैदान से बाहर गई है, प्रदर्शन अब जाएगा अमरावती की टीम के पास। तक काफी अच्छा मैच देखने को मिला है हमें, बराबरी की ही टक्कर मान सकते हैं आप इसको, सिर्फ एक गोल से बढ़त बनाई हुई है इस वक्त अमरावती की टीम। एक अच्छा स्कूप पास यहां पे जिसको काफी अच्छे से डिफ्लेक्ट किया, लेकिन पोजीशन वापस से अमरावती की टीम, लेकिन रेफरी की विसिल और इस प्ले को खारिज किया है, बॉल वापस से HNGU के पास जाएगी। बॉल ऑफेंसिव खिलाड़ी के पैर से टच हुई थी जिसकी वजह से विसिल की रेफरी ने, बॉल वापस से अजय के पास HNGU के लिए, काफी अच्छा फुटवर्क यहां पे, लेकिन उससे बेहतर डिफेंस यहां पे अमरावती के खिलाड़ियों की तरफ से। काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए यहां पे SGBAU की टीम, एक अच्छा पास लेकिन काफी अच्छी गोलकीपिंग, बहुत ही शानदार गोलकीपिंग यहां पे HNGU के खिलाड़ी की तरफ से, गोलकीपर की तरफ से माफ कीजिएगा। यहाँ पे बॉल HNGU के पास जाएगी, एक अच्छा पास, सात नंबर के खिलाड़ी अजय बारिया अपनी टीम के लिए बॉल को आगे बढ़ाते हुए, डिफेंस चल रहा है अब तक यहाँ पे अमरावती खिलाड़ियों की तरफ से। काफी अच्छा पास, बॉल शूटिंग सर्कल के अंदर है, एक अच्छा प्रयास था ये लेकिन ऑफ टारगेट रहा ये शॉट और गोल हासिल नहीं कर पाई यहां पे अमरावती की टीम। एक अच्छा स्कूप पास था यहां पे लेकिन काफी अच्छा डिफेंस, बॉल वापस से पोजीशन में आ चुकी है अमरावती की टीम के। काफी तेजी से बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए अमरावती के खिलाड़ी, अच्छा पास निकाला है यहाँ पे, बॉल अभी भी स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर है उनके पास, अच्छा मौका बन सकता है, एक अच्छा प्रयास लेकिन फिर से ऑफ टारगेट रहा, गोल हासिल करने में असफल यहाँ पे अमरावती के खिलाड़ी, लेकिन पिछले कुछ ही समय में लगातार एक अच्छा प्ले यहाँ पे, काफी अच्छा पास लेकिन बॉल को कोई भी कलेक्ट नहीं कर पाया, बॉल
साइड लाइन से बाहर जाती हुई। अब तक सिर्फ हमें एक गोल देखने को मिला है इस मैच में, जो कि SGBAU की तरफ से है। एक अच्छा ग्राउंडेड पास यहां पे, काफी अच्छा मौका बनता हुआ, अच्छी पासिंग, मौका अभी भी है यहाँ पे SGBAU के पास, एक अच्छी यहाँ पे स्ट्राइक और इसी के साथ दूसरा गोल, नहीं माफ कीजिएगा, ऑफ टारगेट रहा ये गोल, नहीं हुआ है, रेफरी का इशारा, ऑफ टारगेट थी बॉल। यहाँ पे एक फ्री हिट थी यहाँ पे HNGU के पास, काफी अच्छा मौका बन सकता है यहाँ पे, लेकिन बॉल को गोल की तरफ टारगेट नहीं कर पाए यहाँ पे HNGU के खिलाड़ी। एक 16 यार्ड हिट के लिए बॉल यहाँ पे मिलेगी अमरावती के खिलाड़ी को। काफी अच्छा स्कूप पास ये, रेफरी की विसिल, बॉल वापस से अमरावती के पोजीशन में आएगी। यहां काफी अच्छा स्कूप पास, अच्छे से रिसीव करने में सफल रहे हैं अमरावती की टीम के खिलाड़ी। एक अच्छा पास निकाला लेकिन उसको काफी अच्छे से इंटरसेप्ट किया यहां पे HNGU की टीम ने, लेकिन पोजीशन वापस रिगेन कर लिया है यहाँ पे SGBAU के खिलाड़ी ने। यहाँ पे एक विसिल और इसी के साथ एक पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा यहाँ पे अमरावती की टीम को, काफी घातक हो सकता है ये, देखना होगा क्या इस मौके को वो भुना पाएंगे और एक और गोल स्कोर कर पाएंगे इस मैच में। शूटिंग सर्किल के अंदर एक रॉन्ग डिफेंस का इशारा दिया था रेफरी ने, अपनी पोजीशंस को सेट करते हुए दोनों ही टीम के खिलाड़ी। पेनल्टी कॉर्नर से पास आया, एक अच्छी ग्राउंडेड शॉट यहाँ पे कर सकती थी काम, लेकिन एक और पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा यहाँ पे रेफरी का इशारा। दोबारा से अपनी पोजीशंस को सेट करेंगी दोनों ही टीम, HNGU की टीम के खिलाड़ी डिफेंस सेट करते हुए और अमरावती के खिलाड़ी अपना ऑफेंस सेट करते हुए। रेफरी की विसिल के साथ मैच स्टार्ट होता हुआ, एक काफी अच्छा ग्राउंडेड शॉट लेकिन गोलकीपर ने काफी अच्छी गोलकीपिंग की यहां पे और बॉल मैदान से बाहर जाती हुई बैकलाइन की तरफ से। ये एक लॉन्ग कॉर्नर मिला है अमरावती के खिलाड़ी को, क्योंकि बॉल गोलकीपर से लग के बैकलाइन से बाहर गई थी। एक और विसिल रेफरी की, दोबारा से लॉन्ग कॉर्नर यहां पे बॉल स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर, ये एक डेंजरस प्ले होगा, खेल को रोका गया है, एक प्लेयर चोटिल है ऐसा लग रहा है मैदान में, जल्दी से रेफरी उसके पास पहुंचे उसको अटेंड करने के लिए। हमें आशा है कि कोई ज्यादा सीरियस इंजरी ना हुई हो इस खिलाड़ी के, HNGU के खिलाड़ी हैं ये जो मैदान में इस समय नीचे लेटे हुए हैं चोट की वजह से।
दोबारा से रेफरी की विसिल के साथ मैच चालू होता हुआ। फाउल का इशारा रेफरी का, पोजेशन अमरावती की टीम के पास। और इसी के साथ हाफ टाइम होता हुआ, दो क्वार्टर समाप्त हो चुके हैं। इस समय पर स्कोर है SGBAU 1 और HNGU 0। 5 मिनट का ये ब्रेक होगा हाफ टाइम का, इसके बाद तीसरे और चौथे क्वार्टर का गेम बचा है। अभी भी SGBAU ने एक अच्छी लीड बनाई हुई है, देखना होगा कि क्या HNGU की टीम किसी भी तरीके से इस मैच में अपनी वापसी करने में सफल रहेगी या फिर SGBAU की टीम एक आसान जीत की तरफ बढ़ेगी। लाइव एक्शन के लिए आप बने रहिए FGSN के साथ। Thank you.
तीसरा क्वार्टर कुछ ही क्षणों में आप लाइव देख पाएंगे। दोनों ही टीमें मैदान में आ चुकी हैं। हाफ टाइम के बाद स्कोर है SGBAU की टीम 1 गोल और HNGU की टीम 0। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जो अमरावती की टीम है SGBAU वो हरी जर्सी में इस मैच में खेल रही है और नीली जर्सी में गुजरात की टीम HNGU खेल रही है। एक अच्छा ग्राउंडेड शॉट यहां पे। दोनों ही टीमें अब तक हमें काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाती हुई इस मैच में। यहां पे एक रेफरी की विसिल। काफी अच्छा स्कूप पास यहां पे, लेकिन बॉल मैदान से बाहर गई है। पोजीशन अमरावती के खिलाड़ी के पास। एक काफी अच्छा स्कूप शॉट यहां। अमरावती खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे एक विसिल रेफरी की तरफ से, जिसकी वजह से बॉल पोजीशन वापस मिला है HNGU के खिलाड़ी को। एक काफी साधारण सा एक शॉट, पोजीशन आराम से रिगेन किया था। यहाँ पे एक और विसिल, रॉन्ग टैकल था जिसकी वजह से फ्री हिट मिलेगी। यहाँ पे काफी अच्छा ऑफेंस, ये बॉल पोजीशन वापस से जाएगा अमरावती खिलाड़ी के पास, रेफरी की विसिल जिससे उन्होंने इशारा किया। एक अच्छा मौका बन सकता है यहां पे SGBAU के खिलाड़ी के लिए। एक अच्छा शॉट था लेकिन उसको डिफ्लेक्ट किया। एक लॉन्ग कॉर्नर मिलेगा यहां पे, अच्छा मौका हो सकता है अमरावती के खिलाड़ियों के लिए। काफी अच्छा ग्राउंडेड शॉट, लेकिन काफी अच्छा इंटरसेप्शन भी। बहुत ही शानदार डिफेंस था यहां पे गुजरात की टीम की तरफ से। बॉल पोजीशन अभी भी अमरावती के पास। काफी अच्छी ग्राउंडेड शॉट थी ये, लेकिन बॉल टारगेट पे नहीं थी, मैदान से बाहर जाती हुई। दोबारा से एक लॉन्ग कॉर्नर है ये SGBAU की टीम के पास। बॉल शूटिंग सर्किल के अंदर आ चुकी है, लेकिन काफी अच्छा डिफेंस। दोनों ही टीमों की तरफ से हमें शानदार हॉकी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इस मैच में। काफी तेज पास था ये, लेकिन कोई भी प्लेयर उस बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाया। बॉल सीधा मैदान से बाहर जाती हुई। अच्छा ग्राउंडेड पास यहां पे, बॉल पोजीशन SGBAU के पास, लेकिन बहुत ही शानदार डिफेंस है। मोहित के पास बॉल HNGU के लिए, लेकिन बॉल मैदान से बाहर गई है। यहां पे पोजीशन वापस है अमरावती की टीम के पास। जर्सी नंबर 17 के रूप में कुणाल के पास बॉल थी अमरावती की टीम के लिए। बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए यहां पे HNGU की टीम। काफी अच्छा डिफेंस ये। वापस बॉल कुणाल के पास,
लेकिन काफी खराब पास था ये, जिसकी वजह से पोजीशन वापस एसएनजीयू के पास गया है। लेकिन एक बेहतर डिफेंस के चलते बॉल एसजीबीएयू के पास, एक अच्छा ग्राउंडेड शॉट था ये, लेकिन उसको डिफ्लेक्ट किया जिसकी वजह से बॉल मैदान से बाहर गई है। बॉल यहां पे लॉन्ग कॉर्नर के लिए अमरावती के खिलाड़ियों के पास। अच्छे से बॉल को आगे लेके बढ़ते हुए यहां पे अमरावती के खिलाड़ी, यहां पे एक विसिल आई है रेफरी की तरफ से और दोबारा से एक लॉन्ग कॉर्नर मिला है। जी माफ कीजिएगा, फ्री हिट थी ये। अच्छे से आगे बढ़ते हुए यहां पे एसजीपीयू के खिलाड़ी, बॉल शूटिंग सर्कल के अंदर आ चुकी थी लेकिन उसको क्लियर किया, बहुत ही शानदार डिफेंस, एक अच्छा पास, लेकिन उससे बेहतर डिफेंस यहां पे अमरावती के खिलाड़ी की तरफ से। देखते ही देखते यहां पे काफी अच्छे अटैक बनाती हुई एचएनजीयू की टीम। यहां पे एक विसिल रेफरी की तरफ से, बॉल पैर से लगी थी यहां पे अमरावती के खिलाड़ी के, जिसकी वजह से विसिल मिली, पोजीशन एचएनजीयू के पास रहेगा। मोहित के पास बॉल, उन्होंने अजय को पास दिया है, बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए अजय बारी अपनी टीम के लिए, अपना अटैक सेट करने का प्रयास करेंगे यहां पे एचएनजीयू के खिलाड़ी। एक अच्छी ग्राउंडेड शॉट थी ये, लेकिन बॉल मैदान से बाहर गई है जिसकी वजह से एक 16 यार्ड हिट मिलेगा यहां पे। बहुत शानदार फुटवर्क यहाँ पे, अच्छे से बॉल को आगे लेके बढ़ते हुए एसजीपीएयू के खिलाड़ी, विसिल एक रेफरी की, जिसकी वजह से एक फ्री हिट मिलेगी यहाँ पे अमरावती के खिलाड़ी को। अच्छा पास निकाला लेकिन उसको इंटरसेप्ट किया, बॉल पोजीशन रिगेन किया यहाँ पे अमरावती की टीम ने। बहुत ही अच्छा प्रयास देखने को मिल रहा है हमें दोनों ही टीम के खिलाड़ियों की तरफ से। बॉल मैदान से बाहर जाती हुई और एक 16 यार्ड हिट मिलेगी यहां पे एचएनजीयू की टीम को। काफी अच्छा पास ये, अच्छे से करेक्ट करने में असफल रहे लेकिन एचएनजीयू के खिलाड़ी उस पास को। पोजीशन कुणाल के पास था एसजीबीएयू के लिए। बॉल को मैदान से बाहर भेजा यहां पे, पोजीशन एचएनजीयू के पास। काफी अच्छा पास दिया यहां पे, राउंडेड पास निकाला आगे लेकिन उसको कलेक्ट करने में असफल रहे या उनके टीममेट। बॉल 16 यार्ड हिट के लिए मिलेगी अब अमरावती की टीम को। अफसर जो कि 3 नंबर जर्सी में खेल रहे हैं एसजीबीएयू के लिए, उन्होंने 16 यार्ड हिट ली थी अपनी टीम के लिए। अच्छी पासिंग यहां पे, बॉल को लेकर आगे बढ़ती है एसजीबीएयू की टीम। शानदार डिफेंस यहां पे एचएनजीयू के खिलाड़ी की तरफ से। क्या एक अच्छा अटैक बन सकता है, रेफरी की विसिल यहां पे, पोजीशन वापस जाएगा एचएनजीयू के पास।
एचएनजीयू की टीम प्रयास करेगी कि अच्छा अटैक सेट कर पाए यहाँ पे, काफी अच्छा डिफेंस पोजीशन लेकिन अमरावती की टीम ने रिगेन किया है। कुणाल बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक विसिल रेफरी की तरफ से पोजीशन वापस एचएनजीयू के पास जाता हुआ, बॉल जो ऑफेंस पे खिलाड़ी थे कुणाल उनके पैर से टच हुई थी जिसकी वजह से पोजीशन वापस से एचएनजीयू को मिला। काफी अच्छा पास निकाला, ये शानदार डिफेंस यहाँ पे, बहुत अच्छा इंटरसेप्शन देखने को मिला हमें अमरावती की टीम के खिलाड़ी की तरफ से। तेजी से बॉल लेके आगे बढ़ती हुई यहाँ पे अमरावती की टीम, लेकिन बहुत ही शानदार डिफेंस, बॉल पोजीशन को रिगेन किया यहाँ पे एचएनजीयू ने। दोनों ही टीमों का काफी अच्छा प्रयास यहाँ पे, एक फ्री हिट मिली है गुजरात की टीम को, राउंडेड पास लेकिन कंट्रोल में नहीं थी बॉल, मैदान से बाहर गई है ये बॉल, पोजीशन अभी भी एचएनजीयू के पास। हेमचंद्र आचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी जो कि ब्लू कलर की किट में खेल रही है उनके पास है ये पोजीशन, अच्छा मौका बन सकता था लेकिन बहुत ही बेहतर डिफेंस यहाँ पे। बॉल को तेजी से आगे लेके बढ़ते हुए कुणाल एसजीपीएयू की टीम के लिए, लेकिन अच्छा इंटरसेप्शन, अच्छा डिफेंसिव टैकल, एक काफी तेज और शानदार पास देखने को मिला हमें यहाँ पे, ग्राउंडेड शॉट, अच्छा मौका बन सकता था लेकिन उससे बेहतर इंटरसेप्शन यहाँ आया। अमरावती की टीम इस मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए अब तक, देखते ही देखते इस मैच की इंटेंसिटी बढ़ती हुई, बहुत शानदार कलेक्शन यहाँ पे, लेकिन रेफरी की विसिल जिसकी वजह से पोजीशन वापस मिलेगा यहाँ पे एसजीबीएयू की टीम को। रेफरी की विसिल के साथ पोजीशन के लिए फ्री किक मिली, फ्री हिट मिली थी यहाँ पे, माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन एक डेंजरस प्ले था ये जिसकी वजह से बॉल वापस पोजीशन में मिलेगी एसजीबीएयू की टीम को। बॉल को लेके आगे बढ़ने का प्रयास करती हुई यहाँ पे एचएनजीयू की टीम, लेकिन उस बॉल का पोजीशन रिगेन किया है यहाँ पे अमरावती के खिलाड़ी ने। यहाँ पे विसिल रेफरी की तरफ से, बॉल पोजीशन अभी भी अमरावती के पास, काफी अच्छा पास निकाला है, शूटिंग सर्किल के अंदर बॉल है ये, लेकिन रेफरी की विसिल और इशारा के पोजीशन अब एचएनजीयू के पास जाएगा। यहाँ पे एक रॉन्ग डिफेंस का इशारा जिसकी वजह से विसिल हुई, अमरावती के खिलाड़ी को वार्निंग देते हुए रेफरी। ये स्कूप पास देने का प्रयास था जिसमें असफल रहे यहाँ पे एचएनजीयू के खिलाड़ी। एक अच्छा मौका बन सकता है ये, और ये एक और गोल, एक छोटी सी चूक गोलकीपर की तरफ से जिसकी वजह से गोल हासिल करने में सफल रही अमरावती की टीम। इसी के साथ मैच का स्कोर हो चुका है 2 गोल एसजीबीयू के लिए और 0 एचएनजीयू के लिए। अपनी बढ़त को यहां पे बढ़ाती हुई संत गार्ड के बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी की टीम, अच्छा अटैक सेट करने की कोशिश थी लेकिन बहुत ही शानदार डिफेंस यहां पे अमरावती के खिलाड़ी की तरफ से। जर्सी नंबर 17 में कुणाल अपनी टीम के लिए बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए,
अच्छा पास निकाला है यहाँ पे, दोबारा एक और मौका बन सकता है यहाँ पे, लेकिन रेफरी की विसिल, ऑपोजिशन वापस अमरावती की टीम के पास, काफी जल्दी अपना अटैक सेट करते हुए एक अच्छी किक, बहुत शानदार गोलकीपिंग। लेकिन थर्ड क्वार्टर में जो एक गोल स्कोर किया है अभी अमरावती के खिलाड़ी ने, उसकी वजह से उनका इस मैच में जो बढ़त है वो 2-0 की हो चुकी है। ये तीसरा क्वार्टर समाप्त होता हुआ, तीसरे क्वार्टर की समाप्ति पे स्कोर है संत घाट के बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी 2 और हेमचंद्र आचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी 0। चौथे क्वार्टर के 15 मिनट का खेल अभी भी बचा हुआ है, देखना होगा क्या HNGU किसी भी प्रकार से इस मैच में अपनी वापसी कर पाएगी। ये एक 2 मिनट के छोटे से ब्रेक के बाद आप इस मैच को दोबारा से लाइव देख पाएंगे FGSN के साथ। इसी के साथ चौथे क्वार्टर का मैच स्टार्ट होता हुआ, HNGU पूरा प्रयास करेगी कि इस मैच में वापसी कर पाए। बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए अमरावती के खिलाड़ी, अच्छा मौका बन सकता है, शूटिंग सर्किल के अंदर बॉल है उनके पास, लेकिन काफी अच्छा डिफेंस, पोजीशन रिगेन किया यहां पे HNGU के खिलाड़ी ने। रेफरी की विसिल, बहुत ही शानदार गेम प्ले हमें देखने को मिला है यहां पे अमरावती के सभी खिलाड़ियों की तरफ से। दोबारा से एक अच्छा मौका बनता हुआ उनके, लेकिन शानदार डिफेंस, अच्छा इंटरसेप्शन आया यहां पे, बहुत ही शानदार प्रयास यहां दोनों ही टीमों खिलाड़ियों की तरफ से। कुणाल बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए अपनी टीम के लिए, स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर बॉल है उनके पास, लेकिन बेहतरीन डिफेंस यहां पे HNGU के खिलाड़ी की तरफ से। एक अच्छा ग्राउंडेड शॉट, लेकिन बॉल सीधा बाहर गई मैदान से, 16-yard हिट मिलेगी यहां पे अमरावती की टीम के खिलाड़ी को। सिराज के पास बॉल, उन्होंने आगे पास दिया कुणाल को, यहां पे अच्छा अटैक सेट हुआ था, रेफरी की एक विसिल और ये एक पेनल्टी कॉर्नर मिला है यहां पे SGBAU की टीम को। उनका पूरा प्रयास रहेगा कि इसको भी वो एक गोल में कन्वर्ट करें और अपनी बढ़त को और बढ़ाएं। दोनों ही टीमें अपनी पोजीशन सेट करती हुई मैदान में, राउंडेड पास, शॉट का इंतजार रहेगा हमें, एक अच्छा शॉट, लेकिन बॉल मैदान से बाहर जाती हुई, 16-yard हिट मिलेगी यहां पे HNGU के खिलाड़ी को।
अच्छा मौका बना था ये, लेकिन शॉट जो था वो टारगेट पे नहीं। ये इस मैच का आखिरी क्वार्टर चल रहा है, अगर जल्दी ही एचएनजीयू की टीम ने इस मैच में वापस आने का कोई प्रयास नहीं किया तो ये एक आसान जीत रहेगी एसजीबीएयू की टीम के लिए। जो भी इस मैच को टीम जीतेगी वो इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ेगी और जो भी टीम हारेगी उसका सफर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। बॉल दोबारा से मैदान से बाहर जाती हुई, ये एक ऑब्स्ट्रक्शन था जिसकी वजह से एक फ्री हिट मिली है यहां पे। काफी अच्छा पास है लेकिन बहुत बेहतरीन इंटरसेप्शन, लेकिन उससे भी बेहतर इंटरसेप्शन हमें दोबारा से देखने को मिला यहां पे अमरावती की टीम के खिलाड़ी की तरफ से। बहुत ही शान से बॉल शूटिंग सर्किल के अंदर है अमरावती की टीम के पास, एक अच्छा शॉट और इसी के साथ तीसरा गोल। टॉमोहॉक शॉट था ये जिसकी वजह से तीसरा गोल स्कोर करने में सफल रहे हैं यहां पे अमरावती के खिलाड़ी। मैच का स्कोर हो चुका है 3-0। बहुत ही शानदार शॉट देखने को मिला हमें, काफी तेजी से बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए यहां पे एचएनजी के खिलाड़ी, जिनको इंटरसेप्ट किया उनको एक फ्री हिट मिली है यहां पे। काफी तेज किक लेकिन गोलकीपर ने बॉल को रोका। जर्सी नंबर 11 में करण ने बॉल आगे बढ़ाई है अपनी टीममेट के लिए। छयान के पास बॉल, अच्छी स्किल्स यहां पे। रेफरी ने एक विसिल किया, बॉल पैर से टच हुई थी जिसकी वजह से एक फ्री हिट मिलेगी यहां पे एसजीबीएयू के खिलाड़ी को। एक अच्छा स्कूप पास, बॉल कुणाल के पास, अच्छा शॉट लेकिन काफी अच्छी गोल कीपिंग, लेकिन एक और गोल। ये चौथा गोल इस मैच का एसजीबीएयू की टीम के लिए। इसी के साथ मैच का स्कोर हो चुका है 4-0। बहुत ही शानदार हॉकी का प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है यहां पे संत गार्ड के बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों की तरफ से। अब एक ऐसा लग रहा है कि अजय भड़त उन्होंने बना ली है इस मैच में। बॉल को दोबारा से आगे लेके बढ़ते हुए यहां पे अमरावती की टीम के खिलाड़ी, एकाएक उन्होंने अपने अटैक को काफी तेज कर दिया है और बहुत ही जल्दी दो गोल स्कोर किए। दोबारा से बॉल शूटिंग सर्किल के अंदर है उनके पास, अच्छी गोल कीपिंग लेकिन गोलकीपर ने बॉल को डिफ्लेक्ट करके मैदान से बाहर भेजा। ये एक लॉन्ग कॉर्नर है जो कि एसजीबीएयू की टीम को मिलेगा। अच्छा मौका बन सकता है यहां पे बॉल शूटिंग सर्किल के अंदर, लेकिन बेहतरीन डिफेंस। बॉल मैदान से बाहर जाती हुई, पोजीशन एचएनजीयू के पास। वापस से अपना अटैक सेट करते हुए यहां पे अमरावती के खिलाड़ी, अच्छा पास निकाला है ये, एक अच्छा मौका बन सकता था लेकिन काफी अच्छा क्लियरेंस यहां पे। बॉल सीधा मैदान से बाहर। यहां एक 16 यार्ड हिट मिलेगी अमरावती के खिलाड़ी को।
तेजी से बॉल को आगे लेके बढ़ते हुए यहाँ पे एसजीबी के खिलाड़ी, अच्छा पास लेकिन कुणाल उसको कलेक्ट नहीं कर पाए, बॉल मैदान से बाहर गई है, बैकलाइन से बाहर जाती हुई बॉल, जिसकी वजह से पोजीशन वापस जाएगा एचएनजीयू के खिलाड़ी के पास। अच्छा फुटवर्क यहाँ पे एचएनजीयू के खिलाड़ी की तरफ से, जर्सी नंबर 7 में अजय बारिया अपनी टीम के लिए बॉल आगे लेके बढ़ते हुए, काफी अच्छा पास निकाला, एक ग्राउंडेड शॉट यहाँ पे, अच्छा मौका बन सकता है, बहुत ही अच्छी गोलकीपिंग का प्रयास, लेकिन इसी के साथ पहला गोल स्कोर करने में यहाँ सफल रही एचएनजीयू की टीम। इसके साथ इस मैच का स्कोर हो चुका है 4-1। काफी अच्छा ऑफेंसिव प्ले देखने को मिला हमें और उसको गोल में कन्वर्ट भी किया यहाँ पे एचएनजीयू की टीम ने। अभी भी 3 गोल से आगे चल रही है यहाँ पे एसबीजीएयू की टीम। एक अच्छा स्कूप पास, काफी अच्छा कलेक्शन बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एसजीबीएयू के खिलाड़ी, लेकिन एक मिस हिट हुई, बॉल को अच्छे से डायरेक्शन देने में असफल रहे और बॉल मैदान से बाहर गई बैकलाइन की तरफ से, पोजीशन वापस है एचएनजीयू के पास, तेजी से अटैक की तरफ बढ़ते हुए उनके खिलाड़ी, लेकिन रेफरी की विसिल और बॉल वापस से जाएगी एसजीबीयू की टीम के पास। स्कूप पास देने का प्रयास था लेकिन उसको इंटरसेप्ट किया, यहाँ पे एक रेफरी की विसिल और लॉन्ग कॉर्नर मिला है एचएनजीयू की टीम को, जी माफ कीजिएगा फ्री हिट मिली है एचएनजीयू की टीम को। मोहित के पास बॉल एचएनजीयू के लिए, अच्छा ग्राउंडेड शॉट था लेकिन उसको इंटरसेप्ट किया यहाँ पे, पोजीशन अभी भी एचएनजीयू के पास, अजय बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, अच्छा मौका बन सकता था लेकिन क्लियरेंस, लेकिन यहां पे रेफरी का इशारा, एक पेनल्टी कॉर्नर यहां पे मिलेगा एचएनजीयू के खिलाड़ी को। अच्छा मौका बन सकता है यहां पे एचएनजीयू के लिए एक और गोल स्कोर करने का, अचानक ही इस मैच में वापसी करने की कोशिश करती हुई यहां पे एचएनजीयू की टीम, दोनों ही टीमें अपनी पोजीशंस को सेट करते हुए एचएनजीयू ऑफेंस पे और अमरावती की टीम डिफेंस पे। पेनल्टी कॉर्नर के लिए तैयार, एक शानदार शॉट था लेकिन बहुत ही अच्छी गोल कीपिंग यहां पे। अब लॉन्ग कॉर्नर मिलेगा यहां पे एक और बार एचएनजीयू की टीम को, बहुत ही शानदार गोलकीपिंग थी यहां पे एसजीबीयू के गोलकीपर की तरफ से, एक और ग्राउंडेड शॉट, अच्छा मौका बनता हुआ लेकिन काफी अच्छी गोलकीपिंग दोबारा से देखने को मिली हमें यहां पे, बहुत ही शानदार गोलकीपिंग, अच्छा इंटरसेप्शन, बॉल दोबारा से एचएनजीयू की टीम के पास और इसी के साथ एक और पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ यहां पे एचएनजीयू को। देखना होगा क्या इस मौके को भुना पाएगी यहां पे एचएनजीयू की टीम। दोनों ही टीम अपने पोजीशंस पे सेट, ये एक वार्निंग दी है यहां पे रेफरी ने, गोलकीपर पहले बाहर आ गए थे अपनी पोजीशन छोड़ के, दोबारा से पेनल्टी कॉर्नर यहां पे मिला है एचएनजीयू की टीम को। एक अच्छा शॉट और इसी के साथ दूसरा गोल स्कोर कर लिया यहां पे एचएनजीयू के खिलाड़ियों ने। मैच का स्कोर हो चुका है
चार गोल SGBAU और दो गोल HNGU, क्या ये एक कमबैक की शुरुआत है HNGU की टीम के लिए? जिस प्रकार से यहाँ पे दो गोल तेजी से स्कोर किए हैं इस मैच में, वापस से रोमांच डाल दिया है यहाँ पे HNGU के खिलाड़ियों ने। एक रेफरी की विसिल, पोजीशन वापस HNGU की टीम के पास। काफी स्ट्रॉन्ग शॉट था ये, पैर से बॉल टच हुई है इसलिए फ्री हिट मिलेगी यहां पे HNGU को। अजय बॉल को लेकर आगे बढ़ते हो अपनी टीम के लिए, यहां पे रेफरी की विसिल। एक फ्री हिट मिली है यहां पे HNGU की टीम को। अच्छा डिफेंस, बॉल पोजीशन वापस लिया है अमरावती के खिलाड़ी ने। उनका प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा टाइम बॉल अब अपने पास ही रखें। अभी भी दो गोल से आगे चल रही है यहां पे SGBAU की टीम। बॉल मैदान से बाहर गई है, पोजीशन SGBAU के पास। तेजी से आगे बढ़ते हुए बॉल के साथ, लेकिन बहुत ही अच्छा डिफेंस यहां पे, पोजीशन को रिगेन किया। रेफरी की विसिल, बॉल पोजीशन वापस से SGBAU को मिलेगा। इस मैच के आखिरी क्षणों में हैं हम, देखना होगा क्या और तेजी से अटैक करके HNGU की टीम किसी भी प्रकार से इस मैच में अपनी बराबरी कर सकती है या नहीं। अच्छा प्रयास यहां पे, और इसी के साथ ये मैच समाप्त होता हुआ, चौथा क्वार्टर यहां पे खत्म हुआ, ये मैच समाप्त होता हुआ। इस मैच को जीत लिया है संत गार्ड के बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी की टीम ने। चार गोल्स उन्होंने स्कोर किए और हेमचंद आचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी ने दो गोल। तो फाइनल स्कोर 4-2। कुछ ही देर में हम वापस लौटेंगे और लाइव मैचेस के साथ। जो अगला लाइव मैच है, माफ कीजिएगा, जो अगला मैच है वो आप लाइव देख सकते हैं FGSN के साथ, जो कि खेला जाएगा डॉक्टर BAMU छत्रपति संभाजी नगर यूनिवर्सिटी और RDV जबलपुर यूनिवर्सिटी के बीच।